नमस्ते, आपके इस प्रिय साप्ताहिक समाचार कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। जब हमारे पास निश्चित रूप से कुछ है तो हमें उससे ज्यादा प्राप्त करने का लालच नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में हम वो भी खो बैठे जो हमारे पास अभी है। इसलिए कहा जाता है कि दूर से दिखाई देने वाली दो चीजों से हाथ में आई एक चीज बेहतर है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। क्या आप जानते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस समय अपने तीसरे चंद्र अन्वेषण मिशन की तैयारी कर रहा है। इस साल के अंत में लॉन्च होने वाला चंद्रयान 3 एक लूनर लैंडर और रोवर को चंद्रमा के उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए भेजेगा जिनमें कुछ अरब वर्षों से सूरज की रोशनी नहीं दिखी है। और पिछले हफ्ते इसरो ने घोषणा की है कि लैंडर सफलतापूर्वक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और कंपैटिबिलिटी टेस्ट से गुजरा है। इससे पता चलता है कि लैंडर वहां जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्पेस के बारे में जानने के लिए उत्साही रहने वाले लोगों के लिए यह बेहद रोमांचक समय। पिछले हफ्ते भारत के प्राइवेट प्लेयर्स ने तेलंगाना के एक गाँव से अपना पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया था। लेकिन यह प्रोजेक्ट स्कूली छात्रों की उस टीम के बिना पूरा नहीं हो सकता था जिन्हें रॉकेट के डिजाइन की मदद के लिए चुना गया था। ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि इस कार्य में 5000 से अधिक छात्र शामिल थे और टॉप के 100 छात्रों ने उपग्रह के रियूजेबल रॉकेट कंपोनेंट के निर्माण में मदद की। इस रॉकेट का उपयोग मौसम, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और रेडिएशन के रिसर्च के लिए किया जाएगा। हमें इन मेधावी छात्रों पर बहुत गर्व है जिन्होंने इसे संभव बनाने में मदद करी। नामीबिया से 8 चित्र को लाने के महीने बाद भारत में पिछले सप्ताह साउथ अफ्रीका से 12 और चीतों का स्वागत किया गया। चीतों का दूसरा जत्था ग्वालियर में एयरफोर्स स्टेशन उतरा और उन्हें सीधा मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क ले जाया गया। क्या आप जानते हैं कि भारत में चीते विलुप्त हो गए थे और अब लगभग 7 दशकों के बाद ये भारत वापस आ रही हैं। भारत ने अगले 10 सालों में हर साल 12 चीते इंडो अफ्रीकी देशों से लाने की योजना बनाई है और अब पर्सनली इन शानदार जीवों की एक झलक पाने का और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। जापान ने अपने क्षेत्रीय जल क्षेत्र का एक फ्रेश सर्वे किया है जिससे देश में 7200 नए अज्ञात आइलैंड्स का पता चला है। क्या आप जानते हैं कि जापान सरकार ने अपना आखिरी सर्वे 1987 में किया था, अब से लगभग 36 साल पहले। अब जापानीज आइलैंड्स की संख्या 6800 से दुगनी बढ़कर लगभग 14000 तक होने की उम्मीद है। अंतिम आंकड़ों में थोड़ा बदलाव होने की संभावना है क्योंकि ज्योग्राफर्स अब भी अपनी गणनाओं का फाइनल एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। इसलिए इस बारे में और अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे यकीन है कि आप रीसाइक्लिंग के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आपने डाउनसाइक्लिंग शब्द के बारे में सुना है? डाउनसाइक्लिंग तब होता है जब आप किसी चीज को ऐसी सामग्री में बदलते हैं जिसका मूल ओरिजिनल चीज से कम होता है, और अपसाइक्लिंग तब होती है जब आप किसी सामग्री का मूल बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए डाउनसाइक्लिंग तब होती है जब प्लास्टिक कचरे को कपड़ों में बदला जाता है। हमारे चारों ओर काफी प्लास्टिक है। प्लास्टिक फाइबर सही रूप में ग्रीन सेंस का एहसास कराते हैं, पर हमें यह भी समझना होगा कि सिंथेटिक कपड़ों को धोने से हमारे समुद्र में माइक्रोप्लास्टिक पहुंचता है। इसी वजह से रिसाइकल प्लास्टिक वर्कआउट गियर और स्विम सूट्स के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन हमारे रोजमर्रा के कपड़ों के लिए नहीं। खुद को शिक्षित करें और इको फ्रेंडली बने और स्थायी निर्णय लें। टर्की और सीरिया के बॉर्डर रीजन में आए विनाशकारी भूकंप के 2 सप्ताह बाद यह क्षेत्र एक और बड़े भूकंप से तबाह हो गया था। इसमें सप्ताह के शुरू में कई हजार घर नष्ट हो गए। राष्ट्रपति एर्डोगन ने घोषणा की है कि टर्की के भूकंप प्रभावित प्रांतों में लगभग 2,00,000 अपार्टमेंट का निर्माण कार्य अगले महीने शुरू हो जाएगा। दुर्भाग्य से इस सप्ताह के लिए टर्की में ऐसी घटना नहीं घटी थी। ब्राजील के साओ पाउलो राज्य
के तट पर भारी बारिश के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड हुआ, जिस वजह से कई लोगों को बहुत अधिक चोटें और काफी तबाही हुई है। हमें उम्मीद है कि इन दोनों देशों की स्थिति बेहतर होगी और हम इन आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए पूरी दुनिया मिलजुल कर कार्यवाही करेगी। पिछले हफ्ते भारत ने बोर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। गेंदबाज रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के शानदार स्पेल की बदौलत भारत ने 6 विकेट से आसानी से मैच जीत लिया और इस कप को भी जीत लिया। अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे चेतेश्वर पुजारा ने 113 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए विजयी रन बनाया। क्या आप जानते हैं कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले 3 टेस्ट सीरीज जीती है और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लगभग 1 दशक से अपने पास रखा है। हमारी बॉयज इन ब्लू ने क्या ही शानदार प्रदर्शन किया है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और भारतीय सिनेमा में दादा साहेब फाल्के के योगदान की स्मृति में 1969 में भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। क्या आप जानते हैं कि दादा साहेब को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के रूप में जाना जाता है और 1913 में रिलीज हुई उनकी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र पहली भारतीय फिल्म थी। इस साल का अवार्ड शो इस हफ्ते की शुरुआत में हुआ और इसके कुछ विनर्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अनुपम खेर ने मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता, जबकि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने अन्य अभिनय पुरस्कार जीते। अनुभवी अभिनेत्री रेखा को उनके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री के लिए सम्मानित किया गया। हम शो के सभी विजेताओं को बधाई देते हैं और वर्षों तक हमारा मनोरंजन करने के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। यदि आप कभी फरवरी में गोवा गए हैं तो आपने हर साल आयोजित किए जाने वाले 3 दिवसीय गोवा कार्निवल के बारे में जरूर सुना होगा। इसे क्रिश्चियन लेंटन सीजन के खत्म होने के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इस कार्निवल में फूड फेस्टिवल्स और प्रतियोगिताओं जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां तो होती ही हैं, पर इनके साथ ही रंगीन गुब्बारों, संगीत और नृत्य को भी दिखाया जाता है। गोवा में इसे पहली बार पुर्तगाली सम्राटों ने 16वीं शताब्दी के आसपास आयोजित किया और अब ये गोवा की संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस साल के कार्निवल का आयोजन पिछले सप्ताह हुआ था और पूरा शहर कार्निवल और त्योहार के गीतों के रंग में डूबा हुआ था। यह कितना वंडरफुल ट्रेडिशन है जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। एस्ट्रोलॉजर ने हाल ही में इराक के सराई खंडरों में खोज करते हुए एक चीज का पता लगाया है जो लगभग 5000 साल पहले की है। इस खोज से पता चलता है कि दुनिया में सबसे पहले शहरों में से एक रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती थी और ये बेहद रोमांचक खोज है। खाना खाने के उपयोग लाए जाने वाले एक कुल आंगन के चारों ओर खुदाई करते हुए रिसर्चर्स को एक मॉइस्चर वीक स्ट्रक्चर मिला जिसका उपयोग भोजन को ठंडा करने के लिए किया जाता था। क्या आप जानते हैं ये मॉडर्न डे फ्रिज के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक हो सकता है। वास्तव में कितनी शानदार खोज है। इस सप्ताह का मुहावरा है खाक छानना, जिसका मतलब है इधर उधर भटकना। नौकरी न मिलने के कारण शाम खाक छानने पर मजबूर हो गया। बूझो तो जाने, बच्चे भी कहते हैं मामा, बूढ़े भी कहते हैं मामा, दीदी भी कहती है मामा, बोलो कौन से मामा? चंदा मामा। पहचानो कौन ये हिप हॉप और आरएनबी सिंगर, 250 मिलियन रिकॉर्ड बेचकर अब तक की सेकंड बेस्ट सेलिंग फीमेल म्यूजिक आर्टिस्ट बन गई है। 23 साल की उम्र में बिलबोर्ड चार्ट्स में उनका 10वां गाना आने से भी यंगेस्ट आर्टिस्ट बन गई। वे नौ ग्रैमी अवार्ड, 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ साथ और भी कई अवार्ड जीतकर टाइम्स की सूची में 2 बार 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों की सूची में आ गए। ये अम्ब्रेला सिंगर रिहाना है। क्या आपको मालूम है कि एक बढ़िया म्यूजिक करियर के साथ साथ रिहाना ने फिल्मों में भी काम किया है।
वे एक समाज सेवी है और लग्जरी ब्रांड LVMH में जाने वाली पहली ब्लैक वुमेन है। क्या आपको मालूम है कि स्नो लेपर्ड्स को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है? आई ग्रास्पर्स, क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? जी हाँ, स्नो लेपर्ड्स थिक डेंस स्पॉटेड कोट्स वाले जानवर हैं, जो इनके लिए इनविजिबिलिटी क्लोक्स का काम करते हैं। ये जानवर अपने आप को छिपाने के समय ठंड से बचने के लिए अपनी पूंछ को अपने गले के पास लपेट लेते हैं। ये जानवर प्रकृति के असली हाइड एंड सीक फैन हैं। क्विज टाइम। तेंदुए के धब्बों को क्या कहते हैं? अपने जवाब contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। केसर या सैफ्रन दुनिया का सबसे महंगा मसाला है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आईग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर माउंट ओलंपस स्कूल गुरुग्राम के शिंजन गांगुली का हार्दिक अभिनंदन। आज के समाचार कैप्सूल में इतना ही। इस हफ्ते अपने आसपास नजर दौड़ाइए और शुक्रिया अदा करें। उनकी एक सूची बनाकर अपने परिवार और दोस्तों को उसकी जानकारी दें। जब कभी भी आप कुछ निराशा महसूस करें तो इस सूची को देखें कि आपके पास जो भी है वह कितना बहुमूल्य है। जल्द ही फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।